ओके गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले ही रिया चिकड़ी के चार टॉर्च। अगर आपको भी मेरे वीडियोस में चार टॉर्च चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। गाइस आज के वीडियो में हम लोग खेल रहे हैं क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग। और गाइस आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग में म्यूटेंट मॉब्स को कैसे स्पॉन कर सकते हो। तो गाइस आज के वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल गाइस, म्यूटेंट मॉब्स को स्पॉन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग को माइनक्राफ्ट में कन्वर्ट करना होगा। इस टॉपिक में मैंने वीडियो अपलोड कर दिया जिसमें आप लोग अपने क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग को माइनक्राफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उस वीडियो को देखकर आप लोग अपने क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग को माइनक्राफ्ट में कन्वर्ट कर लेना। मैं आपको उस वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। ओके गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने अपने क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग को माइनक्राफ्ट में कन्वर्ट कर लिया है, तो आप लोग भी कर लेना। वेल गाइस, पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं आपको इस मोड में कौन कौन से म्यूटेंट मॉब्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्पॉन करते हैं म्यूटेंट स्नो गोलम को। तो ये रहा उसका एग, इसे हम लोग स्पॉन करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यार ये कितना ज्यादा ह्यूज है। आप लोग नॉर्मल स्नो गोलम को स्पॉन करोगे तो वो बहुत ज्यादा छोटा रहता है, और गाइस ये बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। आप लोग देख सकते हैं यार बहुत ज्यादा ओपी है ये। ओके गाइस, अब हम लोग स्पॉन करते हैं म्यूटेंट स्केलेटन को। तो आप लोग देख सकते हैं यार ये कितना ज्यादा ह्यूज है, और ये दोनों आपस में फाइट भी करने लगे। ये देखो यार, म्यूटेंट स्केलेटन हाथ से मारने में लगा हुआ है और म्यूटेंट स्नो गोलम अपने पास से आइस फेंक रहा है। देखते हैं यार कौन जीतता है। आप लोगों को क्या लगता है कौन इन दोनों में से जीतेगा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। वेल गाइस, अब हम लोग स्पॉन करते हैं म्यूटेंट एंडरमैन को। तो ये देखो यार कितना ज्यादा एंडरमैन पावरफुल लग रहा है। आप इसे सर्वाइवल में फाइट करके देखना इन सारे म्यूटेंट मॉब से, आप इनसे जीत पाओगे या फिर नहीं। ओके, तो अब हम लोग स्पॉन करते हैं म्यूटेंट क्रीपर को। ये कितना ज्यादा ह्यूज है भाई, ये ब्लास्ट होगा तो आप लोग देख सकते हैं यार कितना ज्यादा ये डैमेज देने वाला है। वेल गाइस, अब हम लोग स्पॉन करते हैं ज़ॉम्बी पिगमैन को। और ये देखो ज़ॉम्बी पिगमैन तो लिटरली बहुत ज्यादा ह्यूज है, और ये चल रहा है तो अपने पीछे ये फायर फेंक रहा है। ये कितना ज्यादा पावरफुल है यार, आप लोग देख सकते हो। ओके गाइस, अब मेरे पास लास्ट एग बचा हुआ है, और ये एग है म्यूटेंट ज़ॉम्बी का। और आप लोग देख सकते हो मैंने म्यूटेंट ज़ॉम्बी को स्पॉन किया, और ये कितना ज्यादा ह्यूज है और बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। और गाइस, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप इसे सर्वाइवल में डिफीट कर पाए या फिर नहीं। वेल गाइस, चलो मैं आप लोगों को बताता हूं आप लोग इस मोड को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने क्राफ्टिंग बिल्डिंग को माइनक्राफ्ट में कन्वर्ट करना होगा। फिर गाइस, आप लोगों को प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है एडवांस फॉर माइनक्राफ्ट। ये देखो ये रहा ऐप, आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। वेल गाइस, फिर एडवांस फॉर माइनक्राफ्ट को ओपन कर लेना, और सर्च के ऑप्शन पर जाकर आपको सर्च करना है म्यूटेंट। तो आप लोग म्यूटेंट सर्च कर एंटर कर देना। फिर कुछ देर लोडिंग होगा, उसके बाद आप लोगों को फर्स्ट प्लेस पे ये वाला एड ऑन मिलेगा। तो आपको सिंपली इस एड ऑन को डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस, आप लोग डाउनलोड कर लोगे फिर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल कर लेना। ओके गाइस, इंस्टॉल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, और आपको नोटिफिकेशन आएगा सक्सेसफुल इंपोर्टेड। उसके बाद आपको प्ले के ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन गाइस क्रिएट न्यू कर देना। तो आप लोग क्रिएट न्यू करोगे तो आपको आपके वर्ल्ड को सर्वाइवल से क्रिएटिव पर सेट कर लेना है। देन गाइस, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना तो यहाँ पर ऑप्शन है एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर आपको पांचों एक्सपेरिमेंट्स को ऑन कर लेना है। तो ये देखो मैंने पांचों एक्सपेरिमेंट्स को ऑन कर लिया है, आप लोग भी कर लेना। फिर गाइस, आपको इस साइड पर रिसोर्स पैक मिलेगा, तो आपको सिंपली रिसोर्स पैक पर क्लिक करना है, और ऊपर की तरफ है माई पैक, उस पर क्लिक करना। और गाइस ये देखो ये रहो एड ऑन जिसे अभी आपने इंस्टॉल किया, तो इस पर क्लिक करना और इसे एक्टिव कर लेना। तो गाइस, आप इसे रिसोर्स पैक पर एक्टिव करोगे तो ये ऑटोमेटिकली बिहेवियर पैक पर भी एक्टिव हो जाएगा। तो ये देखो यार बिहेवियर पैक पर भी एक्टिव हो गया है, तो आपको सिंपली बस रिसोर्स पैक पर इस एड ऑन को एक्टिव कर लेना है, देन गाइस वर्ल्ड को क्रिएट कर लेना। ओके गाइस, वर्ल्ड क्रिएट हो जाने के बाद आपको आपके इन्वेंटरी में जाना है, और वहां पर आपको सर्च करना है म्यूटेंट। तो आप लोग म्यूटेंट सर्च करना, तो गाइस आपको यहां पर 6 एग मिलेगा। तो आपको सिंपली सारे एग को ले लेना है, और गाइस इससे आप अपने म्यूटेंट मॉब्स को स्पॉन कर सकते हो। ओके गाइस, आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा। इनको क्या पता मेरे घर की कितनी मेहनत, सारी बातों से था मैं पूरा सहमत। सारी जिंदगी इन्होंने मुझको